हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में ड्राई स्टफ काला जाम या गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए ड्राई काला जाम बनाना शुरू करते हैं, और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। ड्राई रसगुल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है, और अब हम इस भगोने में डालेंगे लगभग 1.5 कप चीनी, क्योंकि हम यहाँ पर पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए जितनी हमने चीनी ली है, उतना ही हम पानी लेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इस भगोने को गैस पर चढ़ा देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। और ये देखिए, हमने भगोने को गैस पर चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और अब हम चीनी के घुलने तक का इंतज़ार करेंगे, और जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, तब हम चाशनी को इतना पकाएंगे कि चाशनी यहाँ पर चिपचिपी हो जाए। हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है, बल्कि हमें चाशनी को इतना पकाना है कि चाशनी अच्छे से चिपचिपी हो जाए। तो चलिए चाशनी को अभी हम पकने देते हैं, और साथ ही चाशनी में डालेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आप हरी इलायची नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसमें गुलाब जल या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तक चाशनी पक रही है, चलिए हम काला जाम का डो तैयार कर लेते हैं। काला जाम का डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप भर कर मावा लिया है, और अब हम इस मावे को इस प्लेट में डाल देंगे। मावे को प्लेट में डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा। ये देखिए, हमने यहाँ पर 1/4 कप मैदा लिया है। जितना हम मावा लेंगे, उसका चौथाई हिस्सा हम मैदा लेंगे। मैदा डालने के बाद अब हम मैदा को अच्छे से मावे में मिक्स करेंगे। यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से रसगुल्ले फटते नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि रसगुल्ला बनाते समय हमारा रसगुल्ला फट जाएगा, तो आप उसमें 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करेंगे, और ना ही हमारा रसगुल्ला फटेगा। अच्छे से मैदे को मिक्स करने के बाद अब हम अपने हाथ के इस हिस्से से मावा को मसलेंगे, लेकिन मावा को हम हल्के हाथों से ही मसलेंगे, ताकि मावा अपना घी ना छोड़ दे। अगर मावा ने घी छोड़ दिया, तो काला जाम अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, हमने मावे का एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है, और अब हम इस डो से थोड़ा सा डो कट करके अलग कर लेंगे, और इस डो से हम स्टफिंग बनाएंगे। और अब हम स्टफिंग वाले डो में मिलाएंगे 1 पिंच फूड कलर। हमने यहाँ पे रेड ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार फूड कलर मिला सकते हैं। ये देखिए, हमने फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून चिरौंजी। चिरौंजी की जगह पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मिलाएंगे क्रश की हुई हरी इलायची। आप क्रश की हुई हरी इलायची की जगह पे इलायची पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप चिरौंजी की जगह दूसरा ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस ड्राई फ्रूट्स को पहले छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा, और उसके बाद ही स्टफिंग में मिलाइएगा। तो चलिए काला जाम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी सी स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है, ताकि हमें स्टफिंग करने में दिक्कत ना आए। बाकी बॉल्स हम बाद में बना लेंगे। लेकिन काला जाम बनाने से पहले चलिए हम चाशनी को चेक कर लेते हैं कि चाशनी बन गई है कि नहीं। और ये देखिए, चाशनी अच्छे से पक गई है। हमें यहाँ पर एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चाशनी को हमें इतना पकाना है कि चाशनी अच्छे से चिपचिपी हो जाए। तो चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हम अपनी उंगली में थोड़ी सी चाशनी लेंगे, फिर उंगली और अंगूठे को आपस में चिपकाएंगे। अगर उंगली और अंगूठा आपस में चिपक रहा है, या हमें महसूस हो रहा है कि चाशनी अच्छे से चिपक रही है, तो समझिए कि चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और उसी समय हम गैस को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, चाशनी बनकर तैयार हो गई है, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढककर रख देंगे, ताकि चाशनी ठंडी हो जाए। चलिए अब हम काला जाम बनाना शुरू करते हैं।
काला जाम बनाने के लिए हम यहाँ पर डो को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे एक नाइफ की सहायता से। और दो भागों में डो को डिवाइड करने के बाद एक भाग को हम लंबा करेंगे बिल्कुल सिलेंडर की तरह, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसी तरह हम डो के दूसरे भाग को भी हाथों की सहायता से लंबा करते हुए सिलेंडर का शेप दे देंगे, ये देखिए। और अब हम दोनों लंबी लोइयों को एक नाइफ की सहायता से बराबर भागों में छोटी लोइयों के रूप में कट कर लेंगे। जितना बड़ा रसगुल्ला हमें चाहिए उतनी बड़ी ही लोई हम कट करेंगे। लोई को कट करने के बाद हम एक लोई हाथ में लेंगे और उसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद एक उंगली से हम लड्डू को बीच में प्रेस करेंगे जिससे कि लोई में एक होल बन जाएगा। और उस होल में हम स्टफिंग भरने के बाद स्टफिंग को बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। स्टफिंग को बंद करने के बाद हम फिर से उसका लड्डू बनाएंगे और ये काम हम बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे। और ये देखिए एक काला जाम बनकर तैयार हो गया है और इसमें एक भी स्क्रैच नहीं है। उसके बाद हम काले जाम को हाथ में लेकर इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे ताकि काला जाम प्रॉपर शेप में आ जाए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी काला जाम बनाइएगा तो काले जाम में एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स आ जाएंगे तो जब हम काले जाम को फ्राई करेंगे तो वो ऑयल में फट सकते हैं। और इसी तरह हम सारे काले जाम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने सारे काले जाम बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। और ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका था इसलिए हमने ऑयल में एक छोटा सा काला जाम बनाकर डाला था ये देखने के लिए कि जो हमने डो बनाया है वो परफेक्ट है कि नहीं। और ये देखिए काला जाम कहीं से भी फटा नहीं है, इसका मतलब कि जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है और जो हम काले जाम दूसरे फ्राई करेंगे वो भी फटेंगे नहीं। काले जाम को फ्राई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने काले जाम को जब ऑयल में डाला तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो काला जाम ऊपर से तो पक जाएगा, मतलब ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और साथ ही जो स्किन ब्राउन हो जाएगी वो भी निकलने लगेगी। इसलिए काले जाम को जब भी फ्राई कीजिए धीमी आंच में काले जाम को फ्राई कीजिए। काले जाम को ऑयल में डालने के बाद अब हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये नीचे से थोड़ा सा पक जाएंगे या हार्ड हो जाएंगे तब हम इन्हें हल्के हाथों से पलटते हुए चारों तरफ से पका लेंगे डार्क ब्राउन होने तक, क्योंकि हम यहाँ पर काला जाम बना रहे हैं इसलिए हमें इन्हें कुछ ज़्यादा डार्क होने तक पकाना है। काला जाम बनाते समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम काले जाम को ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऑयल की मात्रा को कम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम ऑयल की मात्रा को कम कर देंगे तो काला जाम नीचे से चपटा हो जाएगा। इसीलिए जब भी काला जाम बनाइए तो ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए। मेरा कहने का मतलब है कि ऑयल इतना लीजिए कि उस ऑयल में काला जाम का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऑयल में डूबा रहे। और ये देखिए हमने काले जाम को लाइट ब्राउन होने तक पका लिया है, लेकिन हम यहाँ पर काला जाम बना रहे हैं इसलिए अभी हम इन्हें थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। और ये देखिए काला जाम अच्छे से पक गए हैं और इनका कलर भी डार्क हो गया है। हम आपको इन्हें पास से दिखा देते हैं और देखिए एक भी रसगुल्ला चपटा नहीं हुआ है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट काला जाम बनकर तैयार हुआ है और ना ही इसकी स्किन निकल रही है। और अब हम इन काले जाम को कढ़ाई से निकाल लेंगे और कढ़ाई से निकालने के बाद अब हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। और ये देखिए हमने सारे काले जाम को चाशनी में डाल दिया है और इसी तरह हम सारे काले जाम बनाकर तैयार कर लेंगे। जब भी हम चाशनी में काले जाम को डालेंगे तो काला जाम और चाशनी दोनों में से एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। अगर हम गरम गरम चाशनी में गरम गरम काले जाम डाल देंगे तो काले जाम फट सकते हैं। और ये देखिए फाइनली हमने सारे काले जाम बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि
ये जो काले जाम है ये चाशनी को अच्छे से सोक कर लें। और ये देखिए 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं और ये देखिए कितना परफेक्ट काला जाम बनकर तैयार हुआ है। देखिए कहीं से भी काला जाम ना तो फटा है और ना चपटा बना है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ड्राई काले जाम बनाएंगे, इसलिए हम इन्हें चाशनी से निकाल करके नारियल के बुरादे में कोट करेंगे। क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, मुझे वीडियो अपलोड करना है, इसलिए हम इन्हें तुरंत चाशनी से निकाल करके नारियल के बुरादे में कोट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इन्हें चाशनी से निकाल कर एक प्लेट या कटोरी में या जाली वाली थाली पर रख दीजिए ताकि इनकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए, और उसके बाद आप इन्हें नारियल के बुरादे में कोट कर लीजिए। और ये देखिए फाइनली ड्राई काला जाम बनकर तैयार हो गया है। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, और यकीन मानिए टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। इस काले जाम की रेसिपी को एक बार अपने घर पर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए अब हम आप लोगों को एक काला जाम कट करके भी दिखा देते हैं। देखिए कितनी आसानी से कट हो गया है, यानी कितना सॉफ्ट काला जाम बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए अंदर से भी कितना जूसी है, और देखिए इसके स्टफिंग कितनी परफेक्ट आई है, बिल्कुल मार्केट के जैसी। हम आपको इसे पास से भी दिखा देते हैं। और ये देखिए कट करने के बाद काला जाम अंदर से भी कितना जूसी दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और यकीन मानिए टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट के जैसा होगा। तो इस काले जाम को आप किसी भी फेस्टिवल पर घर पर बिना किसी झंझट के आसानी से बना सकते हैं। आपको हमारी ये ड्राई काले जाम की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें विश्वास है कि आपको हमारी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।